गांव के हो या शहर के या फिर किसी और देश के माँ बाप सब अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की ही चिंता करते हैं। ऐसे ही अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करने वाला है पवनपुर गांव का सरपंच वैभव सिंह। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी इसी गांव में या इस गांव के आसपास कहीं रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमें आसपास सभी लोग जानते हैं। ऐसा ही कीजिए ना, फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बेटियां शहर में रहना चाहती है और शहर के लड़के से ही शादी करना चाहती है। वहाँ पर ना ही किसी को जानते हैं और ना ही हमें कोई जानता है। ऐसे कहते हुए पवनपुर गांव का सरपंच परेशान होता है, लेकिन उसे एक शहर के लड़के को ढूंढना ही पड़ता है अपनी बेटी के लिए। शहर में हमारी भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है सरपंच जी, सारा काम हमारा बेटा राजीव ही संभालता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटी नैना भी पढ़ी लिखी और जिम्मेदार लड़की है। ऐसे वैभव, उसकी पत्नी सरोजनी और लड़के राजीव के माँ बाप मालती और मंगेश आपस में बच्चों की शादी के बारे में बात करते हैं। दोनों परिवारों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती है। तब लड़के वाले असली बात करते हैं, दहेज की बात। मैंने बहुत कमाया है, हमें किसी भी चीज का कोई कमी नहीं है, लेकिन हम आपकी बेटी जो हमारी घर की बेटी बनेगी उसके नाम भी एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। उसमें आप जितना मदद करना चाहते हैं कीजिए। हम दहेज के सख्त खिलाफ है, हमें आपका एक पैसा भी नहीं चाहिए। ऐसे सबको सबकी बातें अच्छी लगती है और सब मिलकर राजीव और नैना की शादी तय कर देते हैं। नैना को भी राजीव बहुत पसंद आता है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। नैना राजीव के घर शहर में रहती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि राजीव के पास फैक्ट्री तो दूर की बात, रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है। जब नैना के लिए फैक्ट्री बनाने वाले पैसे खत्म हो जाते हैं, तब नैना को उसके ससुराल वाले ऐसे कहते हैं, तुम्हारे पिता तो गांव के सरपंच है ना, उनसे 1-2 लाख रुपए मांगो। आप लोगों ने झूठ बोलकर धोखा दिया है। ये बात मैंने अपने पिता को सिर्फ इसीलिए नहीं बताया है कि क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती हूँ। जो है उसी में खुश रहो, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगी। नैना की ये बात मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो राजीव घर लौटकर आते ही नैना को घर से बाहर निकलने को कहती है। माँ जैसा कहती है वैसा करो नैना, अभी अच्छे से कह रही है, अपने आप चले जाओ, धक्के मारकर निकल देंगे तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मैंने किया क्या है? मैं क्यों मांगू अपने पिता से पैसे तुम्हारी माँ के शौक पूरे करने के लिए? वो बात सुनने के बाद राजीव को बहुत गुस्सा आता है और वो नैना का हाथ पकड़कर ले जाकर बाहर छोड़ देता है और दरवाजा लगा लेता है। नैना वहीं पर काफी देर इंतजार करने के बाद अपने घर चली जाती है। नैना को ऐसे देखकर वैभव को कुछ ठीक नहीं लगता है। तुम अचानक से ऐसे कैसे आ गई बेटा, और अकेले क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पिताजी, वो लोग धोखेबाज है, 1 नंबर के धोखेबाज। ऐसे कहते हुए नैना अपने पिता को सारी बात बता देती है। वो बात सुनने के बाद वैभव और सरोजनी दुखी होते हैं, लेकिन बाद में वैभव अपनी पहचान इस्तेमाल करके राजीव और उसके परिवार को अच्छा सबक सिखाकर उसी गांव के घर में उन्हें रखकर खेती करवाता है और हर पल उन पर नजर रखता है। इसीलिए अनजान लोगों से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहिए।
वो लोग कितने भी अच्छा क्यों ना हो, हम जिन्हें जानते हैं वही लाखों में एक होते हैं, चाहे गरीब हो या धनवान। वैभव एक सरपंच है, इसलिए अपने बेटे की जिंदगी और परिवार को बचा लिया है। आप लोग ऐसी गलतियां मत करना। बादलपुर नाम के गांव में मनीष और रेखा नाम के पति पत्नी रहते थे। मनीष एक लकड़हारा है, जंगल से सूखे टूटे पेड़ काट कर गांव में बेचता है और उसकी पत्नी रेखा हर वक्त उसका साथ देती है। रेखा जल्दी करो, अगर कहीं कोई पेड़ नहीं मिला तो हमें बिना वजह धूप में मेहनत करना पड़ेगा। खाना बनने में और थोड़ा वक्त लगेगा, आप चलो मैं टिफिन लेकर आती हूँ बाद में। ठीक है कहकर मनीष जंगल में चला जाता है। मनीष बहुत ही मेहनती है, अपनी पत्नी आने तक एक पेड़ देखकर काटने भी लग जाता है। रेखा पीछे से टिफिन लेकर आने के बाद काटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करती है। ऐसे दोपहर तक काम करने के बाद खाना खाकर काटी हुई लकड़ियाँ दोनों पति पत्नी उठाकर घर लेकर आते हैं और शाम को मौसम ठंडा होने पर बाजार में लकड़ियाँ बेचते हैं। मुझे ये सारे लकड़ियाँ दे दो मनीष, पता नहीं कल बाहर निकल पाएंगे या नहीं। क्यों, कल ऐसा क्या होने वाला है रंगा? तुम्हें पता नहीं है क्या, आज रात को बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, पता नहीं कब थमेगा। ध्यान रखना खुद का और परिवार का। ऐसे कहते हुए रंगा सारी लकड़ियाँ खरीद कर लेकर जाता है। कुछ ही देर में मौसम खराब होने लगता है। मनीष भी जल्दी से जरूरत का सामान खरीद कर जल्दी से घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को तूफान के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा किया जो सारा सामान लेकर आ गए, वरना इस तूफान में तो कुछ भी मिलने से रहा। ऐसे वो तूफान की रात तो खत्म हो जाती है और मनीष हमेशा की तरह जंगल पहले जाता है और उसे एक हरा भरा टूटा हुआ आम का पेड़ नजर आता है। मनीष उसी पेड़ को काटने के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर रेखा आती है। रेखा, मुझे लगता है कि आज हमें इसी पेड़ को काट लेना चाहिए, क्या कहती हो? बहुत फायदा होगा। कहते हैं कि टूटे हुए पेड़ में भी जान होती है मनीष जी, इसे सूखने तक जंगल पर छोड़ दो, चाहिए तो हम इस पेड़ से फल ले सकते हैं। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो रेखा, चिकन मटन और मछली को मजा लेकर खाते हो, और वो खाते वक्त ये बात क्यों याद नहीं आता है फिर? मैं इसी को ही काटूंगा आज। ऐसे कहते हुए मना करने पर भी मनीष उसी पेड़ को काटकर शाम को व्यापार करता है और हर रोज की तरह घर आकर खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन जब मनीष उठता है तब उसके पेट से एक पौधा निकलता है, वो देखकर मनीष डर जाता है। ये मुझे क्या हो गया है, ये पेट कैसे आ गए? रेखा क्या हुआ है जी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे कहते हुए रेखा आकर अपने पति को देखकर चौंक जाती है और देखती है कि वो असली है या मनीष सुबह सुबह कोई मजाक कर रहा है। ऐसे कहते हुए रेखा और मनीष अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर भी मनीष को देखकर डर जाता है और ऐसे कहता है, निकलने को तो हम इस पौधे को ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं, लेकिन इस पेड़ की जड़ें तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में बढ़ रही है, ऐसा ही चलता रहा तो शाम तक तुम्हारी मौत हो सकती है। वो बात सुनकर मनीष बहुत डर जाता है और घर लौटकर रोने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद रेखा को ये ख्याल आता है,
लगता है वो डॉक्टर सही कह रहे थे। वही आम का पेड़ तुमसे बदला ले रहा है। सच्चे दिल से माफी मांगकर सो जाओ जी। उसके बाद जो होगा देख लेंगे हम। मनीष वैसे ही करता है और वैसे भी मन नहीं वाला है कहकर सुकून से सो जाता है। शाम को जब उठता है तो उसका पौधा गायब हो जाता है। उसके बाद से मनीष फिर कभी हरे भरे पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाता है।